कैसे हैं आप। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज रिव्यू देने जा रही हूँ मैं एक फेशियल किट का, जिसे मैंने एक दो दफ़ा इस्तेमाल किया है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी बताऊँ कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत औसम है, और आप लोग भी यूज़ करें, क्योंकि अभी रमज़ान करीम चल रहा है तो इसके बाद ईद। तो अगर आप रमज़ान में इस फेशियल को दो दफ़ा ट्राई लें तो इंशाल्लाह आपको ईद पे इसके औसम रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने एक दो दफ़ा नेट पे, यहीं पे इंस्टा पे भी इनके पेज को फॉलो किया हुआ, वहाँ देखा, और एक दो दफ़ा रिव्यूज़ इनके देखे। डिफरेंट यूट्यूबर्स ने ना अपने अपने चैनल पे इसके रिव्यू दिए हुए, तो मेरा दिल किया मैं भी मंगवाऊँ, देखूँ, हो सकता है अच्छा ही हो। मेडिकेटेड फेशियल है और अगर मुझे ये लगा है इसको इस्तेमाल करने से कि अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा तो आपकी स्किन पे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं करेगा। तो आप सब इस्तेमाल करें, देखें। लेकिन आज सिर्फ मैं इनकी क्रीम्स दिखा के आपको, इनके जो भी एक मैंने मंगवाया सारा पार्सल मेरा आया, वो मैं आपको इनकी क्रीम्स और इनके मास्क, इनकी सीरम्स वगैरह दिखा देती हूँ। बाकायदा फेशियल स्टेप्स के साथ ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो डेमो भी दूँगी आपको। लेकिन अभी सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ कि इनके फेशियल किट में कितनी क्रीम्स होती हैं और क्या क्या इंक्लूडेड है। मैंने ये मंगवाया है तकरीबन 3700 में, ना 3700 में मुझे डिलीवरी चार्जेस समेत पड़ा है ये, और डिलीवरी विद इन 2-3 डेज़ में मेरी आ गई थी। डिलीवरी सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है और पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, और उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा इसको इस्तेमाल भी कर लिया। तो अब आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके फेशियल में क्या क्या है, और अच्छी खासी क्वांटिटी है क्रीम्स की भी। आराम से 2-3 बंदे भी ना 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 हज़ार की चीज़ आप मंगवा रहे हो और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे जैसे कोई पेड प्रमोशंस वाला काम नहीं है, ना कोई पेमेंट ऐसी हुई हुई है कि मैं वो बोलूँगी जैसा कहा जाए। तो मैंने जैसा यूज़ किया मुझे बेहतर लगा है, मुझे अच्छा लगा है, और आपके साथ भी वैसा ही रिव्यू शेयर करती हूँ। तो चले आपको ब्लश फेशियल किट के बारे में बताते हैं। ये हमारा ब्लश फेशियल किट का पूरा पैक, और ये पार्सल मुझे 2 दिन में मिल गया था जब मैंने ऑर्डर किया, और पैकिंग बहुत अच्छी हुई थी, सेफ़ पैकिंग हुई हुई थी, कोई चीज़ भी डैमेज नहीं थी। और ये इसमें टोटल क्रीम्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो क्रीम्स हैं इसमें, कुछ फेशियल की जो बेसिक क्रीम्स हैं जिनमें मास्क हैं और रेडियंट क्रीम वगैरह हैं, ये फेशियल में होती हैं। लेकिन अगर आपने ब्लीच भी यूज़ करनी है फेशियल में, वो आपको अलग से इन्हें बकायदा कहना पड़ेगा। और उसके अलावा ये सीरम जो है ना, ये फेशियल में नहीं है। अगर मंगवा लें आप तो आपके फेशियल के रिजल्ट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। मैंने सारा कुछ मंगवाया इसमें ना, मतलब जो चीज़ें रिलेटेड थी इन ब्लश फेशियल वालों की ना, तो वो मैंने सब मंगवाई। अदरवाइज़ मैं आपको ये इनका खाती हूँ, ये देखें आप, ये आप देखें। तो इसमें फेशियल के पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, बेसिक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट फेशियल। अगर आप सिंपल मंगवाते हैं ना, इस ब्लीच के बग़ैर आपने फेशियल करना है, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसमें ये देख लें हैं, टोनर है इसमें, आपका क्लेंजर है, फिर इसके साथ जो है इंटेंसिव मास्क है इसमें, और एक बैलेंस क्रीम है, ठीक है। अगर आप ये मंगवाते हैं तो पैसे भी कम हैं इसमें और चीज़ें भी आपको ये मिलेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस ब्राइटनिंग फेशियल करते हैं, ये जैसे कि देख लें नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा एडवांस ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें आपको फिर ये सीरम भी आ जाना है और ब्लीच भी आ जाना है। ये देखें यहाँ पे आपको सीरम नज़र आ रहा है, तो ये भी आ जाना है, ठीक है जी। सीरम
सीरम और ब्लीच जो है वो आपको ख़ुद से ऑर्डर करने पड़ेंगे, फिर वो टोटल बताएंगे आपको कि क्या है, फिर वो आपको भेज देंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल ऑर्डर करते हो तो वो सिर्फ आपको यही 3-4 क्रीम्स देंगे जो फेशियल में यूज़ होती हैं। अच्छा जी, अब क्या क्या है, एक मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो ब्लीच, ये इनकी ब्लीच है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये 20 वॉल्यूम के साथ डेवलपर है इनका, और ये क्रीम है, और ये जो है पाउडर है, ये इनकी हो गई ब्लीच। और इस ब्लीच का कलर जो है वो ब्लू आता है। नॉर्मली जब हम अपने फेस पे ब्लीच करते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा वाइट वाइट आता है। इस ब्लीच का जो ख़ास बात है इसमें ना, ये ब्लू कलर में है ब्लीच, और आपके बालों को जो है ना ऑरेंज गोल्डन नहीं करती है, बिल्कुल फील ही नहीं होगा आपको ब्लीच हुई हुई है, और बिल्कुल अच्छे से गोल्डन बाल आपको देगी फेस पे, जो कि बिल्कुल फील भी नहीं होंगे ना, क्लियर क्लियर आपकी स्किन लगेगी। इसके साथ है ये सीरम है, ये आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं भी फेशियल कर रहे हो तो थोड़ी सी अगर आपकी ड्राई स्किन है, और ये कोई और क्रीम भी अगर आप यूज़ कर रहे हो जैसे वाइटनिंग के लिए कोई भी नाइट क्रीम आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो। इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल के अगर आप चेहरे पे लगाते हो तो बड़ी जल्दी वो क्रीम असर करना शुरू कर देती है। जी, ये है जी हमारे पास इंटेंसिव मास्क, इसका ठीक है, फेशियल का हिस्सा है ये भी, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आपको गाइड करने के लिए पेपर तो होगा कि बताया गया फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, ये होता है आपको पता चल जाएगा, लेकिन इन क्रीम्स पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखें, ये इंटेंसिव मास्क है हमारे पास, तो ये इसका नंबर, ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 6 नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है कि इन नंबर 6 पे आपने यूज़ करनी है, मतलब पहले क्लेंजिंग करनी है, क्लेंजिंग के बाद आपने ब्लीच यूज़ करना है, ब्लीच यूज़ करने के बाद आपने, ये क्लेंजिंग है इसकी, डीप क्लीन क्लेंजर है, ठीक है, ये क्लियर स्किन ब्राइटनिंग डीप क्लीन क्लेंजर है, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 इस पे लिखा भी हुआ है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सबसे इजी चीज़ मुझे मुझे इनकी अच्छी लगी है और डिफरेंट भी लगी है कि नंबरिंग के वजह से ना हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमने कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, आप कौन से नंबर पे, ये देखें नंबर 1 पे ये है, फिर उसके बाद जी नंबर 2 पे जो है वो आ जाता है आई थिंक टोनर, देखिए नंबर भी लिखा हुआ है, ये इनका टोनर है, बहुत ज़बरदस्त टोनर है, इस तरह है ये, ठीक है, ये इनका टोनर है, नंबर 2 पे आप टोनर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ब्लीच वाला फेशियल करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने करनी है स्क्रब, ये देखें इस पे नंबर भी मेंशन है, नंबर 3, ठीक है, ये नंबर 3 है स्टेप इसका, नंबर 3 पे स्क्रबिंग है, क्लियर स्किन ब्राइटनिंग क्लेंजिंग स्क्रब, ठीक है जी, ये डीप क्लीन स्मूथ, ये ब्लश वालों की जो है स्क्रब है, बहुत ज़बरदस्त स्क्रब है, अगर आप फेशियल नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिन हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जैसे नॉर्मली स्किन को स्क्रब किया जाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आ जाती है फिर इस हमारा रेडियंस क्रीम, ये नेक्स्ट स्टेप है, स्क्रब के बाद जो है क्लियर स्किन ब्राइटनिंग रेडियंस क्रीम सुपर परफेक्टिंग, ठीक है जी, ये जो इसमें छोटे छोटे पत्ते बने हुए हैं ना, ये नंबर शो कर रहे हैं, इसका 5 स्टेप है, ठीक है, तो ये आपने यूज़ करनी है। इसके बाद जो है वो इंटेंसिव मास्क है इनका, ब्राइटनिंग इंटेंसिव मास्क 25 फेस, नंबर 6, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा मास्क है, बहुत अच्छी स्किन को फील होता है जब ये लगाओ तो
तो 3 दफ़ा मैंने लगाया, और ख़ुसूसन इस गर्मी के मौसम में बहुत सुकून मिलेगा आपको। और एंड में जो है ये आ जाती है इनकी ब्राइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम हाइड्रा बैलेंस, ठीक है, लास्ट स्टेप है ये। लगा के आपने फेस को नहीं वॉश करना, ये स्टेप का लास्ट, ये फेशियल का लास्ट स्टेप है, और ये आपने अपने फेस पे रहने देनी है। लाइक तो अगर आप रात को फेशियल कर रहे हो तो तमाम फेशियल के स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपने ये क्रीम रहने देनी है फेस पे, लगा के छोड़ देना और सुबह मुंह धोना, ठीक है। नॉर्मली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ नाइट क्रीम भी। ये इनकी बैलेंसिंग क्रीम है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।